नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की नई रेसिपी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूं। आज हम बनाएंगे पोहा केक। ये नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया है। 2 कप हम पोहा ले लेंगे, इसे छलनी में डालकर हम धो लेंगे और इसे छलनी में ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे पोहा अच्छे से फूल कर मुलायम हो जाएगा। 1/2 कप यहाँ पर हम ओट्स लेंगे। ओट्स को पहले हमें भूनना है, तो भूनने के लिए पहले कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें हम 1/2 कप ओट्स डाल देंगे। इसे धीमी आग में हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे ज़्यादा ना भूने, बस हल्का सा ये भूनना है। इसे ये हो चुका है, इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सर जार में डालकर हम इसका एक बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। आप इसकी जगह पे चावल का आटा का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये पाउडर तैयार हो गया है। मैं हाथों से आपको चेक करके दिखला रही हूँ किस तरह का पाउडर हमें चाहिए। अब इसे साइड करते हैं और पोहा हमारा अच्छे से फूलकर तैयार हो गया है। इसे एक बड़े बर्तन में ले लेंगे और इसके साथ हम यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी लेंगे। सब्जी में हम यहाँ पे ले रहे हैं, सॉरी, इसमें पहले हम ओट्स का पाउडर डाल देंगे और इसके बाद हम बारीक कटे हुए सब्जियाँ कुछ ले लेंगे। ये है 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ, 5 से 4 हरी मिर्च कटा हुआ और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इन सभी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। इन सभी को डालने के बाद यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किए थे। अब हम इसमें चटपटा स्वाद लाने के लिए 1 नींबू का रस डाल देंगे और इन सभी को पहले हम मिला लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो 1 दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही से भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे मिलाने के बाद। इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, ये सूखा है थोड़ा, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक अच्छा मिश्रण बनाकर, थोड़ा गीला मिश्रण बनाकर हम तैयार करेंगे। ये हो चुका है, इसे 10 मिनट ढककर छोड़ देते हैं। इधर हम इसे स्टीम करने के लिए स्टीमर गर्म कर लेंगे। स्टीमर गर्म होता है जब तक हम 1 केक टिन लेंगे और इसमें तेल डालकर इसे चिकना कर लेंगे। इसी केक टिन में हम आज का नाश्ता बनाएंगे। इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये देखिए, 10 मिनट हमारा हो चुका है। इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इन सभी को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिश्रण को और थोड़ा गीला करेंगे, मुलायम करेंगे। देखिए, इस तरह का मिश्रण हमें चाहिए, ज़्यादा टाइट मिश्रण हमें नहीं चाहिए। अब जो केक टिन को हम चिकना किए थे उसमें हम इस मिश्रण को डाल देंगे और अच्छे से इसे फैला लेंगे 1 चम्मच की सहायता से। इसे हम चारों साइड एक समान चिकना कर लेंगे। इधर हमारा स्टीमर भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इस केक टिन को डाल देंगे और 30 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। 30 मिनट में ये अच्छे से नाश्ता हमारा पककर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, 30 मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा पोहा केक बना है, ठीक से पका है कि नहीं। देखिए, ये चम्मच अगर हमारा बिल्कुल साफ निकल रहा है, इस पर मिश्रण नहीं लग रहा है, तो ये केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसे चाकू की सहायता से पहले चारों साइड से अलग कर लेंगे और इसके ऊपर हम प्लेट रखकर इसे पलट लेंगे। दोस्तों, ये नाश्ते के लिए बहुत ही हेल्दी और बढ़िया नाश्ता है। इसमें बहुत कम ही तेल का इस्तेमाल हुआ है
और बहुत सारी सब्जियां हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। देखिए इस तरह से प्लेट रख के हम इसे पलट लेंगे और इसे हम अपने मनपसंद आकार में कटिंग कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना बढ़िया नाश्ता बन के हमारा तैयार हुआ है। अब इसे हम अपने पसंद के अनुसार कटिंग करेंगे। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बतलाएं। देखिए इसे इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने दें तभी कटिंग करें, तब ये अच्छे से कटिंग होता है। ये देखिए हम इस तरह से इसे काटे हैं। एक बार आओ, इधर हम कढ़ाई गर्म कर ले रहे हैं और इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच काला सरसों या राई डालेंगे और 2 चुटकी हम यहाँ पे हींग डालेंगे। इन सभी को पहले थोड़ा हम तेल में भून लेते हैं। इन्हें भूनने के बाद यहाँ पे हम 5 से 6 कड़ी पत्ते डालेंगे। इसे तोड़कर डाल देंगे। आप चाहे तो इसे चाकू से भी कटिंग करके डाल सकते हैं। इन सभी को पहले हम थोड़ा भून लेते हैं। इन्हें भूनने के बाद हम जो नाश्ता बना के तैयार किए थे इस तड़के में हम उसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे, जिससे नाश्ते में और भी बढ़िया स्वाद आएगा, थोड़ा कुरकुरापन आएगा। देखिए इस तरह से हम एक एक पीस करके इसमें डालेंगे और धीमी आग में इसे हल्का सा हमें भूनना है। ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है हमें, बस 2 चम्मच तेल में, 1 चम्मच तेल में ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से जितना पीस एक बार में हमारे कढ़ाई में आ जाएगा उतना हम डाल देंगे और इसे धीमी आग में हम सेकने देंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम घुमाते घुमाते हुए चारों तरफ से सेकेंगे और फिर इसे हम पलटेंगे। दोनों साइड से एक अच्छा कुरकुरापन इसमें आ जाएगा और तड़के का स्वाद भी आएगा। देखिए इसे अब हम पलट ले रहे हैं। देखिए कितना सुंदर और बढ़िया कलर आया है। इसी तरह से हम दोनों साइड इसे सेक लेंगे। सेकने के बाद इसे हम प्लेट में निकालेंगे और अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। दोस्तों ये नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और स्वादिष्ट है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।